हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया व्लॉग। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं मिल रही हूँ आपसे। अब सुबह के 6 बज चुके हैं, मैं नहा चुकी हूँ, तो बस अब रसोई में जाऊँगी, किचन में जाऊँगी, काम करूँगी स्टार्ट लंच वगैरह के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस देखिए, सब्जी आज बनाई है मैंने लंच के लिए, भिंडी की, जीरा आटा। तो बस अब मैं रोटियां डालूंगी, मैं मिलती हूँ आपसे। चाय रही। हाँ जी, एक और बात, आज मंडे है तो मंडे की पूजा होनी है, फास्ट की, फास्ट रखी रही हूँ मैं, पर थोड़ा बीपी सा लो है तो बस थोड़ी लेट पूजा करूंगी आज, जल्दी नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी, थोड़ा रुक के करूंगी, क्योंकि एकदम से ना आंख नीचे जा रही है बार 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 बार, तो बस बाद में करूंगी। हाँ जी, तो मैं मिल रही हूँ आपसे अब बज रहे हैं 10 भी अभी पूरे नहीं बजे हैं, 5 मिनट है अभी बजने में सुबह के। तो काम मेरा सब हो चुका है, बस रसोई रह रही है फिर भूल गई, किचन रह रही है फिर से बस। तो दिखा देती हूँ आपको, देखिए इधर सारा बेड मैंने लगा दिया है, कपड़े इधर तय कर दिए हैं, सोफे के कवर भी लगा बिछा दिए हैं फिर से, कपड़े सब फोल्ड हो चुके हैं, ये मैं मुझे अलमारी में रखने हैं अभी। तो कपड़े भी धुल चुके हैं, ये देखिए पोछा लग चुका है, कपड़े ये रहे जो वॉश हो गए थे, ये सूख भी चुके हैं, ड्रेन भी कर चुकी हूँ मैंने, और इधर भी अब ये इधर रह रहे हैं बस, बस वॉशिंग मशीन में जो पड़े हैं ये भी मुझे सुखाने हैं अभी, निकालूंगी इधर, देखिए ये सब भी हटाना है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी ये बैठे, दोनों पूजा हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो देखिए सिर्फ रसोई रह गई, किचन रह गई है, तो किचन भी मैं अभी फटाफट से क्लीन कर लूँगी सारी, तब जाकर आपसे मिलती हूँ, बस थोड़े ही बर्तन है तो ये भी मैं साफ कर दूँगी फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में, बस ये बर्तन और कर दूँ क्योंकि मेरा छोटे वाला लड़का ना बस वो कुछ कुछ मिनट ही जा रही है, उसकी परेशान हो रहा है ज़्यादा, कभी भी आवाज़ लग सकती है, तो मैं इसलिए बस किचन भी साफ कर देती हूँ फटाक से, फिर आपसे। तो गाइस मैं मिल रही हूँ आपसे अब, काम जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया सब हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुकी है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए किचन भी पूरी क्लीन हो चुकी है, और मैंने शाम के लिए दही भी जमा दी है इसमें। तो बस अब चलिए चलते हैं नीचे, लाइट्स ऑफ करते हैं। तो देख ही लिया आपने, काम मेरा सब हो चुका है, किचन भी क्लीन हो चुकी है, सब ऊपर का सब काम फिनिश हो चुका है बस, और जो छोटे वाला लड़का है ना मेरा, वो मैं बीच में चली गई थी नीचे उसको दूध पिलाने, तो वो सो चुका है, अब बस मैं नीचे जाऊंगी जमे तुड़वाने के लिए सिवई। आपको पता ही होगा रक्षाबंधन पे सिवई बनते हैं, जिस जिसके घर में भी होते हो, टूटती हो तोड़ते होंगे उनके घर में जो होती हैं महिलाएं वगैरह लेडीज। तो चलिए बस चलते हैं वहीं पे नीचे, और मिलती हूँ फिर मैं आपसे। आप तो मैं शायद दोपहर में या फिर इवनिंग टाइम पर ही मिलूंगी आपको, चाय के टाइम पर। तो चलिए बाय, जल्दी चलो ऊपर जाना है, चलो ऊपर चलेंगे। देखिए अपने आप ऊपर चल के जाएगा, चल चलो चलो, ये रहने दो, ये नीचे जाएंगे कपड़े लाओ, चलो ये देखिए टोटो अपने आप चढ़ के जा रहा है सीढ़ियाँ, चलो आ गए, चलो रूम में, रूम में चलो, रूम में चलो, रूम में लाइट्स ऑन कर दो,
तो देखिए गाइस, हम रूम में आ चुके हैं अपने। अभी बस मैं थोड़ा रसोई किचन में सामान रख के आती हूँ। देखिए दूध रखा हुआ है, फ्रिज भी रखना है दूध में। बस अब हम दोनों लेटेंगे। चलो लेके, चलो अंदर लेके, चलो उठाओ, चलो उठो लेके, चलो रख दो सोफे पे। चलो अब लेटेंगे, आओ। मियाँ हुए, मैं तो गेट बंद कर रही हूँ। लो तो हे एवरीवन, देखिए इवनिंग का टाइम हो चुका है, 6 PM हो चुके हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, सब्जी मैं धो चुकी हूँ और आज मुझे छोकनी है मिर्च भी। तो मिर्च छुकेंगी, जो अचारी मिर्च बनती है वो, एंड ये इंस्टेंट वाली अचारी मिर्च है। बस तोरी बनी, तोरी की सब्जी बनेगी, स्पेशल सब्जी। जैसा कि आज फास्ट है मेरा और मम्मी का, तो मम्मी के तो फीके पराठे बनेंगे और मैं नमक का ही खाती हूँ क्योंकि मेरे को फिर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, लो हो जाता है मेरा बीपी। तो बस इसीलिए दिखाती हूँ मैं आपको, मैं छोक चुकी हूँ। ओह, छोक नहीं चुकी, मतलब धो चुकी हूँ सब्जियों को। तो बस अभी मेरे को वो काटनी है दोनों चीज, तोरी भी एंड हरी मिर्च भी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए येरी तोरी, ये धो चुकी हूँ मैं। येरी हरी मिर्च जो छुकनी है, मोटी वाली मिर्च है, पर ये तीखी भी बहुत है, ये भी तीखी है। इसके नीचे मैंने प्लेट रख रखी है, ये धो के लाई थी मैं, तो इसमें से पानी निकल रहा। तो बस अभी मैं काटना स्टार्ट करूँगी। सौंफ और जो राई होती है ना, वो हम पीस के रखते हैं, बट अभी ख़त्म हो रही है पीसी हुई। तो ये देखिए, ये रही सौंफ। तो इतनी हम सौंफ ले लेंगे, इनसे ही टेस्ट आता है, इन दो चीज़ों से, बाकी मैं और कुछ भी नहीं डालती इसमें। ये है राई, तो राई भी ले लेंगे हम, लगभग इतनी राई ले लेंगे। इससे खट्टापन आता है राई से, तो बस हम इसको पीस लेंगे अब। सोच राई पी चुकी है, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए बस हमें इतना ही बारीक रखना है ये, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मिर्च येरी, मसाला येरा, इसमें सिर्फ और कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ मसाला
और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी मिर्च है बस। एंड हमारा स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड ऑयल हम थोड़ा सा डालेंगे। ऑयल कमी डालने तो अच्छा है। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई है। हाँ, इसमें ना आप हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए। मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी, वो भी अगर मेरे को ठीक लगा तो, नहीं तो नहीं डालूंगी। ऐसी भी अच्छी लगती है। इसमें मैं मिर्च डालूंगी पहले। ये बहुत आराम से बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो गाइस देखिए, ये लगभग मैंने वैसे तो सारे कर दिया, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालेंगे सॉल्ट। इसको चला रहे हैं, आप चाहे तो मसाला यहीं पे डाल सकते हैं या चाहे बाद में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। टेस्ट में कोई कमी नहीं रहेगी, टेस्ट जब वैसे ही आएगा। तो बस मैं मसाले डाल रही हूँ, ये वही है सौ पर राई, इसी गाइस देखिए मिर्च छुक चुकी है, ये मैंने कटोरी में की है, वैसे बड़े इसमें है, देखो इसमें टिफिन में करके रखी है मैंने सारी, ये कटोरी में मैंने निकाली है खाने के लिए। और ये भी सब्जी, तोरी की सब्जी भी बन चुकी है। इसमें नमक का आटा लगा दिया है मैंने, और ये फीका आटा है, तो बस पहले फीके आटे की रोटी बनाऊंगी, उसके बाद में करूँगी। देखिए खींचना भी क्लीन हो चुकी है फिलहाल के लिए, ऑयल मैंने निकाल लिया पराठों के लिए, तो बस पराठे बनाऊंगी। तो गाइस देखिए मैंने किचन क्लीन कर दिया बिल्कुल, तो बस अब मैं जा रही हूँ रूम में। टाइम हो चुका अभी 9 बजने में, 5 मिनट रह रही है अभी भी, पापा भी आए नहीं है, तो अभी खाना इसलिए जो छोटे वाला देवर है और पापा वो रह रहे हैं नीचे, और ऊपर मैं और समीक्ष के पापा रह रहे हैं। समीक्ष के पापा तो बाद में खाएंगे, वो कह रहे हैं मेरा अभी मन नहीं है, और मैं अपना करके ले आई हूँ बट खाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मैं इसको छोटे वाले लड़का है जो मेरा रोने लग रहा है उसको सुलाऊंगी, उसके बाद में खाना खाऊंगी। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।